13/12/2019 को ही बताया गया था ट्रिपल टेस्ट पूरा कीजिए। एक साल महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की ओर उंगली दिखाई, उसके बाद कमीशन तैयार किया तो उसको पैसे भी नहीं दिए, स्टाफ भी नहीं दिया। उसके बाद कोई तो रिपोर्ट एक जो कमीशन ने कहा हमने तैयारी नहीं की वो सुप्रीम कोर्ट में दी, सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में आकर उस रिपोर्ट को नकार दिया। उसी समय मध्य प्रदेश को आदेश मिला तो मध्य प्रदेश ने पूरी ट्रिपल टेस्ट तैयार करके रिपोर्ट सबमिट किया। पिछले हफ्ते जब उनका रिपोर्ट गया तो कोर्ट ने उसको ये कहा कि हमने आपको लोकल बॉडी सहित रिपोर्ट मांगा था, आपने कंसोलिडेटेड दिया है। उन्होंने तुरंत लोकल बॉडी वाइज रिपोर्ट ये सबमिट किया। आज उनके रिपोर्ट को मान्य करते हुए उनको ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश सरकार को ये परमिशन मिली है। मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और साथ में ये जो नकारा महाराष्ट्र की सरकार है ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या इस महाराष्ट्र की सरकार ने की है। और अब ये तो स्पष्ट है कि ट्रिपल टेस्ट अगर महाराष्ट्र सही समय पर कर लेता तो यहां पर भी ओबीसी का आरक्षण लागू होता। ये सरकार के कारण वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि ये सरकार ओबीसी विरोधी है, ये सरकार चाहती नहीं है कि ओबीसी को आरक्षण मिले। झूठे लोग हैं, झूठी बात करते हैं। ये तो 1.5 साल पहले स्पष्ट हुआ कि केंद्र का कोई संबंध नहीं है, राज्य को करना है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया, आप सिर्फ भाषण करते रहे, राजनीति करते रहे, क्योंकि मन से ओबीसी को आरक्षण आपको देना ही नहीं है। जो तो राजनीति में दिखाई पड़ रहा है, नहीं देना चाहते, वो दबाव है उनके ऊपर। असं है कि आता तर हे स्पष्ट झालेलं आहे कि केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकामीमुळे, नाकर्तेपणामुळे या ठिकाणी हे आरक्षण गेलेलं आहे। त्यामुळे या सरकारला जोपर्यंत हे डेटा सबमिट करत नाही सुप्रीम कोर्टात तोपर्यंत आम्ही स्वस्त बसू देणार नाही। याविरुद्ध आवाज उठवू, आंदोलन करू, सगळे मार्ग आता आमचे खुले आहेत। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीव्ही वर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।